चलिए बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर आने वाले समय में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले ही बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है। भिंड के गोहद से बीएसपी नेता गोपाल चौरसिया ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थाम दिया है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के नेतृत्व में बीएसपी के नेता ने अपने समर्थकों के साथ राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि गोपाल चौरसिया साल 2003 से 13 तक भिंड जिले के बीएसपी जिलाध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। 2014 से 2015 तक लोकसभा प्रभारी पद पर उन्होंने काम किया, तो वहीं 2015 से 2017 तक बीएसपी का जोन प्रभारी पद उन्होंने संभाला। और अब उपचुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम दिया है, जो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल बेल्ट में बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये वो बेल्ट है जहां पर बीएसपी का अपना एक जनाधार है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन बड़े नेता का कांग्रेस में चले जाना निश्चित तौर पर इस वक्त बीएसपी के लिए मुश्किलें पैदा करता हुआ है।